खबर यूपी के कानपुर से है, जहां भोगनीपुर थाना क्षेत्र के उमरिया गांव स्थित सेवक ब्रिक फील्ड में ईंट पथाई के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए हैं। वहीं हत्या के आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरे मामले को लेकर घायलों ने बताया कि देर शाम सभी लोग खाना बना रहे थे, उसी समय कुछ लोग आए और दबंगई दिखाते हुए हमला बोल दिया, जिसमें गोविंद नारायण की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खाना पीना बना रहे थे, लोग गुंडई जाए एकदम हम लोगों ने लाठीचार्ज कर दी। एक भाई छोटा वाला भाई तो ठोरी खत्म हो गया। क्या नाम है उसका? गोविंद नारायण। मतलब कौन लोग थे? वे थे कल्लू सनोक हरचरण और महेश सनोक कल्लू, छोटे सनोक गंगाचरण। मार के रहते ही फरार हो गए वो लोग। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गोविंद नारायण अहरवार की मृत्यु हुई है, तो हम लोग, मैं और मेरे साथी जितने भी सक्षम अधिकारी, हम मौका मौना किए थे। इसमें यह है कि दो परिवार यहाँ पर कच्ची ईंट के काम पे लगे थे। ये जालौन के निवासी हैं। एक परिवार में ये लोग हैं सूरज, गोविंद और एक और उनके भाई, और इस तरफ जो थे महेश कल्लू और छोटे लाल। इनके बीच में रात में दारू पीकर झगड़ा हुई थी, इसी में उन्होंने एक जो गोविंद है इनको एक बड़ा डंडा से सर पर, मतलब सिर पर चोट मारा था, उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।